भाई बाथ टब भी अवेलेबल है ये साला, और क्या चीज जिंदगी में 1200 रुपए में यार। एंड इफ यू वॉन्ट टू कम हेयर यू कैन कम एंड व्हाट इज दिस लाइक हाथ हाथ तो ये दोनों अपना अपना आनंद है, अपना अपना मजा है, कुछ अपना ही आनंद है, अपनाने का कुछ और ही मजा है ये दुनिया। सो गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग जगह है। हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया यहाँ के, तो हम जिस होम स्टे पे रुके हुए हैं उसका नाम है ट्रैंग एंग, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। एकदम जबरदस्त अलग ही तरह के से पहाड़ है, अलग ही यहाँ पर बिल्कुल अलग ही नो इन्वायरमेंट ही अलग है। कोई गाड़ी नहीं चल रही, सारे साइकिल से जा रहे हैं लोग, और बहुत खुला खुला एरिया है और चारों तरफ माउंटेन्स है, बीच में रिवर बह रही है। और हमारे ये हमारा जो है होम स्टे है, और हमारे होम स्टे के जस्ट सामने एक छोटा सा पाउंड बना हुआ है, जहाँ पे देख रहे हो कमल के फूल भी खिल रहे हैं। देख रहे हो मतलब लोकेशन लोकेशन हो तो साली ऐसी हो, वरना हो ही ना साली ना। माउंटेन जहाँ हो जाए ना, मतलब साला दिन ही बन जाता है साला, यार क्या बताऊँ मैं तुमको। माउंटेन लवर्स हो तो आप तुम्हें पता लगे। आप लोगों को भी माउंटेन अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ अभी अपने रूम पे चेक इन, और उसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा बाहर देखने क्या क्या करना है, क्योंकि शाम को थोड़ा खाना खा पी के सुबह यहाँ पे एक रिवर है बेसिकली जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, उस रिवर में बोटिंग होती है। सो गाइस आई मस्ट टेल यू हमने जो डील क्रैक करी है यहाँ पे, डील क्या मतलब बेसिकली यहाँ पर जनरली रेट इतना है, 1200 का हमने होम स्टे किया है। हमें लगा था होम स्टे के नाम से हमें होम स्टे मिलेगा, बट ये रिजॉर्ट से कम नहीं है, सीरियसली कम कम। सो सी यू माय नेम इज माय, सो सी इज द मैनेजर ऑफ दिस रिजॉर्ट, एंड इफ यू वांट टू कम हियर यू कैन कम एंड व्हाट इज दिस लाइक हॉट many people in Vietnam want to take picture of this. Okay, nice. Thank you. So guys, if you want to come here, yes, it's really amazing place. और इसमें pool भी है, और मैं आपको room दिखाऊंगा ना, आप चौंक जाओगे। सिर्फ 1200 रुपए में full पैसा वसूल। So guys, ये है room. देख रहे हो ना? और सबसे मजेदार बात, भाई bathtub भी available है। ये साला और क्या चीज़ ज़िंदगी में 1200 रुपए में यार, 1200 रुपए में दो लोग रह रहे हैं, यानी कि पर हेड 600 रुपए पड़ा। और देख रहे हो व्यू रूम से बाहर निकलती। इस जगह का नाम है निंग बिंग, एंड अगर आप यहाँ आते हो, अब क्वेश्चन आएगा कि आप यहाँ आके करोगे क्या। यहाँ पे करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं, तो मैं आपको फटाफट मैप से बता देता हूँ। अभी हम लोग हैं यहाँ पे, और ये है आपका होम स्टे जहाँ पर हम अभी हैं, और यहाँ से सबसे नियरेस्ट जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा सकते हैं वो है यहाँ पे जो रिवर है, जो ये जगह जिस चीज़ के लिए फेमस है, रिवर में यहाँ पे यू नो बोटिंग कराते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी अच्छी रिवर है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, ये है बिगेस्ट पगोड़ा। दिस इज़ द बिगेस्ट पगोड़ा ऑफ एशिया, समझ लो सबसे बड़ा पगोड़ा। अब ये मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप जाके देख सकते हो। और प्लस दूसरा एक यहाँ पे है व्यू पॉइंट है, जिसमें आपको करीबन थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, 100-200-400 स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ऊपर, और ऊपर से अमेजिंग व्यूज़ आते हैं। और उसके बाद एक यहाँ पे हाईवी टेम्पल करके एक जगह है जहाँ पे आप देखने जा सकते हो, और एक यहाँ पे यहाँ की कैपिटल है हाउलू, कैपिटल जो सिटी है बेसिकली, और यहाँ पे जहाँ हम आए हैं वो एक विलेज है बेसिकली। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है बिल्कुल भी आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, सब सारे लोग साइकिल से जाते हैं, और या फिर स्कूटी से भी, स्कूटी भी बहुत रेयर केस में यहाँ दिख रही है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस होम स्टे में जहाँ हम रुके हुए हैं, ये लोग बाइसाइकिल फ्री देते हैं, समझ रहे हो ना तुम। 1200 स्विमिंग पूल, हॉट टब बाथ, और बाइसिकल फ्री, और क्या चाहिए यार, वाईफाई तो फ्री मिलना ही है। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा होचिमिन सिटी से लेके हेलोंग बे, और हमारी मस्ती के साथ साथ फुल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो भाई आज तो फुल एडवेंचर हो गया। माय नेम इज बॉम्बे। माय नेम किसी ने सही कहा, दुनिया गोल होती है, और हम लोग यहाँ इंडिया से वियतनाम पहुँच गए, और हमको यहाँ पर अपना भाई मिल गया। और मैं टोपी से पकड़ी, मेरे पास बहुत
Hey Danny, how are you? I'm good. हम लोग यहाँ पहुँच गए थे धरती पे समुद्र से, तो अचानक से हमारा प्लान बन गया निंबिंग जाने का। एंटरटेनमेंट का भी उन्होंने फुल इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। आपको ये बिलियर्ड्स खेलने को मिल जाएगा, पूल है या बिलियर्ड्स है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे खेलना भी नहीं आता, और साथ साथ में एक फुटबॉल टेबल भी कहीं पर दिखा था मुझे। सो आई थिंक अगर आप यहाँ आते हो तो कम से कम दो दिन तो यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी जगह अच्छी लगती है, शांत माउंटेन वाली एरिया अच्छी लगती है, तो मैक्सिमम आप यहाँ से 3-4 दिन भी स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ राइट हैंड साइड ड्राइविंग है। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं बाइसिकल में। हम लोग ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं हॉस्टल से आगे, अपने होम स्टे से थोड़ा आगे जा रहे हैं, आउटर साइड जा रहे हैं बेसिकली। देखते हैं आगे पीछे क्या क्या है। मज़ा आ गया यार, काफ़ी दिनों बाद साइकिल चलाई, और ऐसे माउंटेन्स में साइकिल चलाने का मज़ा ही कुछ और है। हटो यार तेज में चलाना बेटा, ब्रेक नहीं लग रही है। राइट हैंड साइड। सो गाइस हम लोग साइकिलिंग करते हुए मेन रोड पे आ गए अपने होम स्टे से, और यहाँ पे साइकिलिंग का अलग ही मजा है। क्यों भाई? बिल्कुल भाई सही बोल रहा है। तो साइकिलिंग और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और जो पहाड़ियों में साइकिल चला रहा है उसका कुछ अपना ही आनंद है। और यहाँ के जो माउंटेन्स है ना, बिल्कुल अलग है अपने, यू नो, इंडिया की तरह, उत्तराखंड हिमाचल की तरह नहीं है। देखो माउंटेन अलग ही टाइप के, मतलब छोटे और ऊंचे और अमेजिंग यार, सीरियसली। देख रहे हो लोग एकदम रिलैक्स होकर चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है, लैंडस्लाइडिंग का कोई खतरा नहीं। हाँ, अगर आप लोग हलोंग वे आ रहे हो ना, यहाँ पक्का आना, हाईली रिकमेंड है। और 3 दिन कम से कम रुकने का तो मैं रिकमेंडेशन, अगर टाइम है तो, अगर 3 दिन बनता है यहाँ रुकना है। सो गाइस ये यहाँ पे क्या, दो रिवर्स में वोटिंग होती है। एक तो रिवर ये है जो हमारे सामने है जहाँ पे वोटिंग होती है, और एक और रिवर है दूसरी जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे वोटिंग होती है। तो ज्यादा फेमस वैसे ये वाली रिवर है यहाँ पे वोटिंग करना। यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो केव और केव्स के बीच में ऐसा है, लेकिन जो वहाँ पे वोटिंग होती है दूसरी जगह पे, वो वोटिंग है प्लेन लैंड पे, जिसके तरफ दोनों तरफ फार्मिंग रहेगी और आप उसके बीच से आप अच्छा। तो ये दोनों अपना अपना आनंद है, अपना अपना मजा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये नियरेस्ट वोटिंग रिवर है। और आपके पास हलोंग वे में बहुत मैक्सिमम टूरिस्ट आता है जहाँ पे बहुत भीड़ है, और हलोंग वे बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये जो अनपॉपुलर डेस्टिनेशन है, अनटच्ड डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आने का कुछ और ही मजा है। यस, तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं साइकिल लेके इधर, और हमारे दोस्त निकल गए हैं आगे, तो हम लोग भी चलते हैं उनके पीछे पीछे। गाइस कम इन द फ्रेम। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है साइकिलिंग करते हुए वियतनाम में? यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले फूलों के मेले, कितनी हसीन है ये दुनिया। ओ भाई ऐसा मत करो, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी पीछे से, गाड़ी आ जाएगी, बोल रहा तू तो नीचे कर ले सर, ले डिंग डिंग ना 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 ना। सो गाइस साइकिलिंग करके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट मारा और पूल वगैरह खेला, और अभी है डिनर टाइम, और हम लोग ले रहे हैं राइस एंड गोट, करी गोट, और आज का यहीं पे करते हैं एंड वीडियो, और कल का जो है, कल हम बोटिंग वगैरह करेंगे, तो कल मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। अगर प्लान तो है हमारा 5:30 बजे उठने का, लेट सी ये लोग उठ पाते नहीं उठ पाते, मैं तो उठ जाऊँगा देख लो। उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, बाइसाइकिलिंग करेंगे यहाँ पे 4 किलोमीटर के पास एक व्यू है, पॉइंट है, वहाँ जाएंगे सुबह सुबह अंधेरे में देख पहाड़ों की ठंड महसूस करते हुए। और अभी फिलहाल डिनर फिनिश कर लेते हैं और आपको मिलते हैं सुबह। हे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम निंबिंग, एंड अभी हम लोग अपने होम स्टे से निकल गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए साइकिलिंग करते हुए, एज यू कैन सी। सो बेसिकली होम स्टे साइकिल
फ्री में प्रोवाइड करता है। बाकी डिटेल्स के लिए मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में हम 12 दिन से वियतनाम में, और हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करी और कैसे यहाँ पहुँचना है, कौन कौन सी जगह घूमना है, वो सारी डिटेल्स के लिए आपको वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर कहीं आई बटन में आ रहे होंगे। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं बोटिंग के लिए। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन नहीं लेनी होती, आपको सिर्फ जिस होम स्टे या फिर जिस रिसॉर्ट में रह रहे हो बस वहाँ पे आपको साइकिल मिल जाएगी फ्री में, या फिर आप वहाँ पे स्कूटी भी रेंट में ले सकते हो और आसपास सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे अमेजिंग नेचर व्यूज़ हैं, सुबह आप मॉर्निंग वॉक ले जा सकते हो, और माउंटेन्स हैं, यू नो जो आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आप बाइसाइकिल पार्क कर सकते हैं, प्रॉपर पार्किंग है। और यहाँ पे आपको 10,000 VND पे करने पड़ते हैं साइकिल पार्क करने के लिए, और स्कूटी पार्क करने के लिए 20,000 VND पे करने पड़ते हैं, और आपकी बाइसाइकिल और स्कूटी सेफ रहती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या टिकट है, क्या कितनी लंबी क्यू लगी हुई है, इतनी सुबह कितनी लंबी क्यू हुई है लगी हुई है देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे चॉइस मिलती है आपको कौन से रूट से आपको जाना है। यहाँ पे 3 रूट्स अवेलेबल है, 1, 2, 3। सो गाइस, ये जो केव दिख रही है आपको कैसी लग रही है, क्या बोलते हो, क्या इसके अंदर जाना चाहिए, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं, क्या हमारी वोट इसके अंदर जाएगी? मैं कैसे बैठूं, तो मैं कह रहा हूं मैं भी ऐसे ही बैठा हूं, मैं घुस ही नहीं पा रहा हूं इसके अंदर। ओ पैर ऊपर कर लो तुम, ये बोलिए आंटी देख, पैर ऊपर कर लो ऐसे। नहीं सही, ओके।